जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनकी उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और पीसफुली अच्छे से वो प्रोटेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो दुआ कर सकते हैं। एंड आप भी अपने अपने जगह पर होंगे तो आई होप कि सेफ होंगे। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा। एंड ये अभी सिर्फ एक कॉलेज ने रिलीज़ किया है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आने वाले दिनों में जो है वो अलग अलग कॉलेजेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस जो हैं वो इस नोटिफिकेशन को, मैसेज को रिलीज़ कर दें। तो जिन भी स्टूडेंट को ये मैसेज मिला है, अभी तो ये सिर्फ रामानुजन कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनको ये फिल फॉर्म करना है। सेकंड आई थिंक ये डेट है 12 फेब 2022 तक जो है ये फॉर्म्स फिलअप करके सबमिट करना है। आने वाले दिनों में आप सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग कॉलेजेस में भी ये नोटिस या फिर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए, जिसके अंदर आपको वैक्सीनेशन की डिटेल्स भरनी होगी कि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है या लगवाया है। सिंपल सा मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन लगवा लीजिएगा। एंड मास्क वगैरह जो भी इसकी प्रिकॉशंस हैं एंड जो भी हम इसके बचाव हैं उसको ज़रूर फॉलो हमें करना चाहिए। मास्क तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हर जगह आपको पहनना चाहिए। एंड वैक्सीन नहीं लगवाया है तो लगवा लीजिएगा, तभी जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हम अपने कॉलेजेस में जो है वो जा सकते हैं। एंड कोविड की क्राइसिस जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स के लिए फिर दोबारा ऑफलाइन क्लासेस को देखने का एक चांस मिल सकता है। ठीक है, तो ये टोटली अपडेट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपनिंग को लेकर। एंड आई होप कि ये अपडेट सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रही होगी, इम्पोर्टेंट रही होगी। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं बता देता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि अभी सिर्फ रामानुजन कॉलेज के अंदर ये ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ किया गया है, तो आने वाले दिनों में आपके कॉलेज पे भी वो नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को वो नोटिस मिलेगा, जिस भी कॉलेजेस से हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि हम जो है वो नॉर्थ कैंपस के इस कॉलेज से हैं एंड हमारे कॉलेज में भी जो है वो नोटिस रिलीज़ कर दिया है वैक्सीनेशन को लेकर। तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स को के लिए गुड न्यूज़ होगी ये कि अब वैक्सीनेशन के लिए अगर हो गया है तो फिर सेकेंड डोज के वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के लिए जो है ये फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो रीओपन हो सकता है और बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन हो। और क्यों नहीं होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भाई रोड पे उतर आए हैं, यानी कि प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो धरने पे बैठे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो ऑल द बेस्ट कि सभी स्टूडेंट्स का जो भी प्रदर्शन है वो सक्सेस ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो, ताकि हम जो है अपने कॉलेजेस के अंदर ऑफलाइन क्लासेस को फिर से देख सकें। एंड सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। और मैंने जो बताया है कि अगर आपके कॉलेजेस के अंदर अगर ये नोटिस रिलीज़ होता है कि आपको भी वैक्सीनेशन डिटेल्स भरनी है, फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है, तो आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।